Hi everyone, welcome back to my channel and another vlog, another day, actually 2 days. मतलब कल मैंने कुछ क्लिप्स शूट किए थे, लेकिन रात होते होते काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी मैं, इसीलिए मैंने वॉइस ओवर नहीं की एंड अपलोड नहीं कर पाई. एंड आज भी मैंने काफ़ी सारे क्लिप्स ले लिए थे, तो मैंने सोचा कि दोनों को मिक्स करके एक वीडियो में डाल देती हूँ. वैसे भी आज अपनी दिनचर्या के बारे में मुझे कोई बातें नहीं करनी है, वो तो आप देख ही रही हो कि कैसा हसल वाला लाइफ चल रही है. कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा सोसाइटी में फैली हुई है, मतलब क्या बोलूँ, मिसगाइडिंग की तरह, उसी चीज़ के बारे में आज बात करेंगे. तो पिछले वाले वीडियो में किसी ने पूछा था कि मेरी प्रीलिम्स की जो स्ट्रेटेजी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मैं बस उसी बारे में बात करना चाहूँगी. एंड हो सकता है कि आपको थोड़ी सी बुरा लगे मेरे बात से, या फिर थोड़ी सी रूड साउंड करूँ मैं, लेकिन सच बोलना अच्छा होता है तो मैं बोलूँगी ही. तो मुझे किसी ने जो पूछे थे स्ट्रैटेजी के बारे में, तो ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग कि जो चीज़ें अभी मैं कर रही हूँ वो मेरे लिए वर्क करेगी कि नहीं वो मुझे नहीं पता, तो मैं कुछ भी बताऊँगी. एंड मैं तो काफ़ी कम टाइम में अभी पढ़ रही हूँ, मतलब 2 महीने ही मेरे पास थे प्रीलिम्स के लिए. सो कितना हसल के साथ मैं पढ़ रही हूँ वो मुझे ही पता है. एंड जितना मैं कर रही हूँ, जो भी मैं पढ़ रही हूँ, उससे मेरी प्रीलिम्स होगी कि नहीं होगी वो मुझे भी नहीं पता. अगर हो जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर हो भी जाए ना, तो जो चीज़ें मैं करके गई थी, अगर वही चीज़ें आप करोगे तो आपका हो जाएगा, वैसा तो मुझे नहीं लगता. तो ये जो स्ट्रैटेजी वाला चल रहा है ना, हमारी UPSC के लिए हो, नीट के लिए हो, JEE के लिए हो, कोई भी एग्ज़ाम के लिए हो, मेरे को सबसे ज़्यादा गंदा यही चीज़ें लगती है कि दूसरों की स्ट्रैटेजी में हम क्यों वेट करते हैं कि कोई आके हमको बताएगा कि हमको ये पढ़ना है. हम खुद से भी तो कर सकते हैं ना, सिलेबस हमारे पास है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे पास है, क्लासेस काफ़ी सारा आपको फ्री रिसोर्सेस मिल जाएगी इंटरनेट में, मतलब आपको पता ही है मैं क्या बताने चाह रही हूँ. तो आप एक बार PYQs देख लो, सिलेबस देख लो, उसके बाद मतलब जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बुक या फिर रिसोर्सेज के बारे में, हाँ वो चीज़ें मैं बता सकती हूँ, लेकिन पर्टिकुलरली कौन सी सब्जेक्ट में आप थोड़ी सी वीक हो, या फिर कौन सी सब्जेक्ट आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो तो मुझे नहीं पता है ना, वो तो आपको ही पता है. तो आपकी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ पे आप ही काम कर सकते हो, मैं तो नहीं कर सकती. एंड मुझे तो लगता है कि जो टॉपर्स बताते हैं कि हाँ हमने यहाँ से करी थी, 99% चीज़ें मुझे झूठ लगती है. आई डोंट नो आपको क्या लगती है, लेकिन मेरे को काफ़ी ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, टॉपर होने के बाद आप कुछ भी बोल दो तो लोग बिलीव तो करेंगे ही, तो वैसे मैं ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती हूँ. हाँ, कि कोई सी टॉपिक पे अगर मेरे को डाउट होती है तो मैं किसी टॉपर की वीडियो देख लेती हूँ कि रिसोर्सेज क्या क्या है अवेलेबल वहाँ से, ताकि मैं चूज़ कर पाऊँ. एंड यहाँ तक जो भी मेरी सफ़र रही है मैंने खुद से ही करी है, मतलब काफ़ी चीज़ें मैंने चेंज करी है, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करी है. तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी कि हाँ, ये नहीं कि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करो इधर उधर की चीज़ों में, लेकिन खुद के लिए एक बार खुद से अगर रिसर्च करोगे एंड माइंडफुली सोचोगे ना, तो आपको ज़्यादा अच्छा रास्ता मिल जाएगा. जैसे कि एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि इनिशियली जहाँ से मैंने कोचिंग करी थी, उन्होंने बोला कि NCERT मत पढ़ो, हम तो कोचिंग वाले NCERT से ही पहले बेसिक्स पढ़ाते हैं, तो तुमको पढ़ने की क्या ज़रूरत है. लेकिन जब मेरी पहली अटेम्प्ट के बाद मैं घर पे बैठ के NCERT को पढ़ी ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि बेसिक्स को कैसे छूट सकते हैं हम. बेसिक्स करना तो इम्पोर्टेंट है ना, आप एक घर की जब घर बनाते हो, नींव रखे बिना तो आप घर नहीं बना सकते. सो वैसे ही बेसिक्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते. हालाँकि अगर NCERT के कितने सारे सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है, ये बुक है NCERT की, वो बुक है NCERT इटसेल्फ, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ही सिंप्लीफाइड बुक है, उसको और सिंप्लीफाइड क्यों करना. तो थोड़ा सा टाइम दो खुद के लिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है. कोई दूसरा आपको नहीं बता सकती है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है. एंड वैसे काफ़ी सारे UPSC की ब्लॉगिंग करते हैं एंड मैं देखती हूँ कभी कभी वीडियो, तो एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगती है कि कोई भी इंस्टीट्यूट किसी भी बुक्स को वो लोग प्रमोट कर देते हैं, तो थोड़ी सी वहाँ पे खनकती है. मतलब कुछ बेसिक्स बुक है जो आप सजेस्ट कर सकते हो हर किसी को, लेकिन कोई इंस्टीट्यूट हो गया या फिर किसी टीचर को हो गया, उतना ज़्यादा प्रमोट करना मेरे को अच्छा नहीं लगता. इसी वजह से थोड़ी सी जितने टॉपर्स आज तक हुए हैं उनसे, वो जो बोलते हैं ना गिला सिकवा वाली रिलेशन, मेरी वैसे ही रहती है. एंड पता है काफ़ी लोग बोलेंगे कि आपने तो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया है तो आप कैसे बता सकते हो. अगर आप एग्ज़ाम के साइकिल में अभी हो या फिर प्रिपेयर कर रहे हो एंड क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हो एग्ज़ाम को ना, आपको भी पता चल जाएगा कि मैं क्या बताने चाह रही हूँ. लेकिन हाँ,
ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है कि किसी को मिसगाइडिंग क्यों करें, क्योंकि जब मैंने इनिशियली शुरू करी थी तो इन्हीं चीज़ों को देख के काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड में हुई हूँ कि हाँ यहाँ से उन्होंने पढ़ी होगी, यहाँ से उन्होंने पढ़ी होगी तो हेल्प हो जाएगी। तो मैंने कोचिंग करने की इसलिए ही सोची थी कि हाँ ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, बट खैर छोड़ो वो तो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन मैं अपनी जो स्ट्रैटेजी है आप लोगों को नहीं बता सकती कि मैं क्या कर रही हूँ। हाँ जो मैं पढ़ रही हूँ तो मैं बता ही रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में अभी क्या चल रही है, एंड कल को अगर मेरे को लगा कि नहीं ये गलत है मैं थोड़ी सी चेंज करूँगी तो मैं चेंज करूँगी ना, तो फिर आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो कुछ और बता रही थी पहली वाली वीडियो में एंड आज कुछ और बता रही है। सो अपनी स्ट्रैटेजी खुद से बनाइए, थोड़ी सी टाइम दे दीजिए खुद को, एक दो घंटा या फिर एक दो दिन लग जाएगा, लेकिन जब आप खुद पे थोड़ी सी ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेंगे ना, बेहतर से बेहतर चीज़ें आपको मिल जाएगी। एंड बस थोड़ी सी ज़्यादा ज्ञान हो गई मुझे पता है, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी थी। मुझे जो चीज़ें पसंद नहीं है मैं दूसरों को वो चीज़ें सजेस्ट कभी नहीं करती हूँ, सो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ खुल के बात किया जाए। एंड मुझे पता है थोड़ी सी हिंदी बोलते वक्त मेरे को जो बोलते हैं ना बोलती है ये वाली चीज़ें जो है जेंडर वाला टर्म्स थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं इन चीज़ों को फिक्स कर पाऊँ, बट क्या बोलूँ मैं हिंदी बेल्ट से हूँ नहीं एंड हिंदी बचपन से हमने कभी बोली नहीं है, सो थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं खुद को इम्प्रूव कर पाऊँ। पिछले वाली वीडियो में किसी ने बताई थी, सॉरी बताया था या फिर बताई थी जो भी थे वो, बट या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर कोई बात से आपको बुरा लगी है तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। बाय बाय।